फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, आइए इस पर बात करते हैं। कल जैक्सन होल में जो मीटिंग हुई है उसमें जेरोम पावेल ने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया था कि भाई जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती तो ना ही रेट हाइक साइकिल जो है वो रुकेगी, ना ही मॉनेटरी पॉलिसी रिवर्स होगी। अब होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन को सिर्फ इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक फैक्टर है, लेकिन इन्फ्लेशन को दूसरे फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, जिसमें लॉकडाउन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रप्शन है, उसमें लेबर शॉर्टेज है, ये सारी चीज़ें मिलकर इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब फेडरल रिजर्व के पास प्लान क्या है, उनके पास प्लान ये है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोन यानी डेट को इतना एक्सपेंसिव कर देना है कि उससे एक नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट जनरेट होगा। क्या मतलब है इसका, अब आपके पास अगर मॉर्गेजेस हैं, आपके पास कार लोन है, आपके पास क्रेडिट कार्ड लोन है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ये सारी डेट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ देयर डेट सर्विसिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर आपने लॉक करवाई है मॉर्गेज तो जब आप उसको रिन्यू करेंगे तब ऑफकोर्स उसकी जो मंथली पेमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। कार लोन तो हमेशा वेरिएबल एडजस्टेबल रेट के ऊपर ही होता है, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी एडजस्टेबल रेट के ऊपर होता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग डेट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो आपका स्टॉक पोर्टफोलियो है या आपने जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की हुई क्रिप्टो के अंदर, जब वो मार्केट्स क्रैश होंगी तो इससे एक नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट जनरेट होगा। जब आप अपने आप को पुअर समझते हैं इन सारी नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट को देख के, तो आप अल्टीमेटली लेस स्पेंडिंग करते हैं इकॉनमी के अंदर। उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप देखेंगे कि आपका स्टॉक पोर्टफोलियो भी नीचे है, आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी नीचे है, आपके एग्जिस्टिंग डेट एक्सपेंसिव हो गया है, तो आपके लिए लाइफ मिजरेबल होती जा रही है, तो आप न्यू टीवी बाय नहीं करेंगे, आप न्यू क्लोथिंग बाय नहीं करेंगे, आप न्यू पेयर ऑफ शूज़ बाय नहीं करेंगे, आप वेकेशन पर नहीं जाएंगे, तो वो सारी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो इससे इम्पैक्ट होती है। तो अल्टीमेटली फेड का प्लान ये है, या जितने भी दूसरे सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ कैनेडा, उनका भी प्लान ये है कि किस तरह उन्हें एग्रीगेट डिमांड किल करनी है। एग्रीगेट डिमांड किल करने का तरीका सर उनके पास सिर्फ यही है कि वो इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ा देंगे कि जो एग्जिस्टिंग डेट है वो एक्सपेंसिव इतना हो जाए कि लोगों की लाइफ मिजरेबल हो जाए, और उसके बाद वो मज़ीद कंज्यूमर स्पेंडिंग करने से अपने आप को कंट्रोल करें। सिर्फ ये उनके पास एक ये प्लान है जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि जब आप स्पेंड ही नहीं करेंगे इन सारी सिचुएशन की वजह से, तो ऑफकोर्स जो डिमांड है एग्रीगेट लेवल के ऊपर वो कम हो जाएगी और फिर अल्टीमेटली इन्फ्लेशन उससे नीचे आएगी। तो ये उनका प्लान है, तब तक जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आती तब तक पॉलिसी यही रहेगी।